اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد, محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهله والصلاة والسلام على أهلها. فلسفة إمامت का ये तीसरा हिस्सा और अब तक हमने फलसफा विलायत के ऊपर जो कि फ़लसफा इमामत के ज़ैल में गुफगु हो रही है और वो आज विलायत के केनमान तक आ गई और उस विलायत के जैल में हमने दो शाखों का बयान किया विलायत की कि एक विलायत तकवीन और एक विलायत तशरी विलायत तकवीन के जैल में हमने विलायत ख़ल़ और विलायत अमर का तस्करा किया और फिर विलायत तशे को वाजे किया उसके बाद फिर इमामत का बारह के साथ बारह केनवान से बारह में मुंहसर होने के ऊपर बयान किया और उसके अंदर फ़कत तबरुकन एक हदीस आपके के सामने बयान की यहीं से बात को अब तो बिल्कुल अख्तितम की तरफ हम जा रहे हैं एक और बहुत ही नाजुक मौजू अमूम छेड़ा जाता है कि आ, क्या इमामत का उहदा जो है वो नबोवत से बड़ा उहदा है आ, इस इसवान से जो इमाम है क्या वो नबी से बड़ा कोई उहदा रखता है और बड़ा कोई फजीलत रखने वाला शख्स होता है क्या होता है इस अंदाज से मुख्तलिफ अंदाज से बहस की जाती है देखिए परवरदिगार आलम अपनी मखलूक़ात पर जब लुफ्फ फरमाता है तो यकीन उनको कुछ मकाम देता है और इसी तरीके से उसने मखलूक़ को खलक़ फरमाया लेकिन तमाम मखलूक़ात को मखलूक़ होने के नाते तो तमाम मखलूक़ बराबर हैं लेकिन आ, कमाल के अतबार से हर मखलूक दूसरे मखलूक से मुमताज़ है हर मखलूक का अपना एक कमाल है और आ, उस कमाल तक रुश्त करना जिस हद तक रहता है मामला वो उस उसके ऊपर मुनहसर है उस मखलूक के ऊपर मुनहसर है कि वो अपने उस कमाल तक कहाँ तक जाती है तो तस्वुर यहाँ पर यह है कि मैं जिस मौजू की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको बयान करके फिर मैं आपके सामने चंद आयात शेयर करूँगा स्क्रीन के ऊपर तो पहले तोज्जो रखिए कि हम किस वादी में कदम रख रहे हैं पहले ये देखिए कि हम मखलूक होने के नाते हमारा कमाल क्या है हर मखलूक का कमाल मुख्तलफ है हमारा कमाल क्या है अल्लाह ने जो मखलूक को खल किया चरंद को पैदा किया परिंद को पैदा किया नबाता हों जमात होंवानात हों इंसान हों तमाम का खालिफ़ परवर दिगार है अगर मखलूक के से देखा जाए तो तमाम मखलूक बराबर हैं इसलिए कि हर मखलूक अपने होने में खालिक की मोहताज है इसमें कोई फ़र्क नहीं है मखलूकियत के अतबार से मोहताजगी के केनवान से हर मखलूक खाल मोहताज है इसमें कोई फर्क नहीं है दो राय नहीं है दूसरी तरफ आते हैं लेकिन अगर तमाम मखलूक इस से मखलूक होने के से से बराबर हैं तो क्या अः पत्थर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है क्या जानवर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है अब हमने ज़रा दिक्कत करना शुरू की तो देखा कि नहीं मखलूक मखलूक होने के नाते बराबर हैं लेकिन कमाल हर एक का अलग अलग है एक पत्थर का कमाल क्या है पत्थर राह में जो है वो ठोकरे भी खा रहा होता है और वही पत्थर है कि जो कि आपके और मेरी अंगूठियों में भी आ जाता है वही उन्हीं पत्थरों में से अगर कोई पत्थर ऐसा भी है कि जो कि अगरचे पत्थर है लेकिन काबे की दीवार से नस्ब है तो बहरहाल ये उसका कमाल बिल्कुल उसी तरीके से अः हमने नबतात का कमाल देखा कि किस अंदाज से वो कोंपल आहिस्ता आहिस्ता पौधा हुई और पौधे से दरख्त तो और दरख्त से फलदार दरख्त दरख्त ये उसका कमाल है तो ऐजरत इंसान जिस तरह तमाम मखलूक का कमाल है खुद तेरा भी तो कमाल होगा तेरा कमाल क्या है तो यकीन इंसान का कमाल क्या है इंसान का कमाल वो है कि जहां पर वर्दिगार उसे देखना चाहता है जब वो उस मुकाम पर चला जाए ये इसका कमाल है इसकी हद क्या है यकीन परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है ये उसका जरफ़ियत है कि उसमें कमाल की फिर उसकी कोई हद नहीं है जहाँ जाना चाहे। अब अगर इंसान बा कमाल है तो फिर तमाम इंसान बराबर हो जाते हैं और तमाम के तमाम बा कमाल हो जाएंगे तो जवाब है कि जी नहीं इंसान अशरफ होने का एहलीत रखता है कि इंसान अगर चाहे तो अशरफुलमखलूक हो सकता है उन्हीं इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने अम्बिया को मबूस फरमायानी कि तमाम इंसान बराबर नहीं हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि अम्बिया हैं उन अम्बिया के अंदर भी हमने देखते हैं कि अब तमाम अम्बिया हैं अब तो तमाम बराबर हैं कहा नहीं तिलकर रसुल्ला हमने जो ये भेजे बास को बास पर फजीलत दी है फजीलत किसमान से है बास से खुदा घम कलाम होता है बस बहुत सारे अम्बिया से घम कलाम नहीं हुआ कुछ को फकत खावाब आया कुछ को जो है वो आ, आवाज आई फरिश्ते की ठीक है देखा नहीं उन्होंने ख्वाब में देख लिया उन्होंने फरिश्ते को जाहिर नहीं देखा तो इस तरह के बहुत सारे मराते हैं अंबिया में नजर आते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्हीं अंबिया में कुछ अंबिया को इमाम के उनवान से भी गिनवा दिया और हमने ये देखा कि जब अंबिया को इमामत का टाइटल मिला तो अंबिया आ, खुश हो गए और उन्होंने तश्वीक फरमाई कि परवरदिगार मेरी औलाद में मेरी ज़रूरत में भी येदा दे दे अगर इस उन्वान से अब बहस का आगाज किया जाए कि ओहदा जो जिम्मेदारी है परवरदिगार आलम का उहदा नबूत परवरदिगार आलम का ही ओहदा इमामत ओहदा यानी जिम्मेदारी अब परवर आलम ने किसको क्या जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी पर उसने शुक्र किस अंदाज से किया है तो अब अगर हम देखते हैं और उसी सवाल की तरफ पलटते हैं कि क्या उहदय इमामत जिसे कहा जाता है वो अः किस अंदाज से अ वो बड़ा है नबुवत से तो हम ये देखते हैं कि सूरह मुबारकाह निसा की आयत नंबर 163 में अल्लाह ताला ने वही का बयान फरमाया इन्ना अवहयना इलैका कामा अवहयना इला نوह के हमने तुम पर वही की है रसूल अल्लाह से फरमा रहे हैं कि हमने तुम पर वही की है ऐसे ही है कामा अवहयना इला نوह जैसे कि हमने पे नबी की थी व नबी और उनके बाद वाले नबियों पर वही की थी व अला इब्राहिम व इस्माइल, और हमने वही की इब्राहिम पर और इस्माइल पर तो यहाँ पर हजरत इब्राहिम को नबी के उनवान से माफ कीजिए हजरत इब्राहिम को का तारफ़ नबूत के उन्मान से कराया गया और न सिर्फ ये कि उनको उनका तारफ कराया गया बल्कि इसमाइल उनके बेटे का तारुफ भी नबी के उन्मान से कराया गया खास तौर पे देखें जब कह दिया ना बहुत तवज्जो रखें कुरान है कुरान इन्ना ना इले का बस बेशक हमने तुम पर वही की है जिस तरीके से अवहैना इला नोन व नबीन जिस तरह से नूह और उनके बाद वाले अंबिया पर वही की थी, थीबा अदही वहीना इला इब्राहिम व इस्माइल। ये बताइए इब्राहिम और इस्माइल नूह के बाद आए हैं या नहीं आए अगर नूह के बाद आए हैं तो वो इन नबीन में शामिल हैं अब जब इन नबीन में इब्राहिम और इस्माइल शामिल हैं उनका नाम अलग से लेने की क्या इल्लत है यहां खास कर एक नबी और उनके बेटे दोनों का तस्करा किया बाप बेटे का तस्करा किया बहुत तवज्जो बाप बेटे का तस्करा नबी के हैसियत से करा दिया इसलिए के एक और मकाम के अंदर इब्राहिम को एक मकाम देना चाहते हैं वो क्या है वो ओज तला इब्राहिम अराबूबे कलेमाते और जब इब्राहिम का इम्तिहान लिया कुछ कलेमात के जरिए से कुछ इंस्ट्रक्शन के जरिए से फम महुन्ना यहाँ इब्राहिम का इम्तिहान हुआ यहाँ इब्राहिम का इब्तला हुआ फ आत्म और वहां इनको कामयाबी हुई यानी कि खुदा के खास बंदों का जब इम्तिहान लिया जाता है तो उनकी कामयाबी और इस इम्तिहान के दरमियान में फासला नहीं होता फ ये खुदा के बरगजीदा बंदे होते हैं कि जो हर इम्तिहान को सह जाते हैं उसको अटेम्प्ट करते हैं और आला नंबरों से जिसे कहते हैं आप अपने अंदाज से खुदा के सामने सुरखरू हो जाते हैं हजरत इब्राहिम वसलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ ये जो लफ्ज इब्तला है ये ऐसा नहीं है कि फकत अल्लाह ताला ने यू नहीं है कि फकत नबी को आजमाया है इस इब्तला के अंदर बहुत तोज्जो रहे मखलूक का इब्तला इस आलम में हम आए ही इब्तला के लिए जहां हम कहते हैं लेबल नबी हजरत सुलेमान अपने लिए कहते हुए नजर आते हैं हाजा मिन रबी ये मेरे रब का मेरे ऊपर फजल है लेबलुअ ताकि मुझे आजमाए उधर सूर्य मुल्क में कहता है खलकल मऊतबल हयात लेकुम हमने मौत को खलक किया है हयात को खलक किया है ताकि तुम्हें आजमाए तो गोया ले चाहे तुम हो तुम्हें भी आजमाया जाएगा चाहे नबी हो लेबलू नी उन्हें भी आजमाया जाएगा मखलूक होने के नाते हर हर मखलूक को आजमाया जाएगा ताकि उसको उसके अगले दर्जे में भेजा जाए बस इसी अंदाज से जब हम ये बात करते हैं मखलूक को अगला दर्जा तो अर्ज ये कर रहा था कि चाहे मखलूक हो चाहे नबी हो या कोई उम्मती इम्तिहान सबका होगा सबको आजमाया जाएगा तो यहां पर उस आजमाइश का तस्करा है तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे परवरदिगार लय्यबलुआ कुम कहकर आपको आजमाता है बिल्कुल उसी तरीके से अम्बिया को भी आजमाता है क्योंकि हर एक का अपना कमाल है हर एक का अपना दर्जा है उसको उस दर्जे में भेजना है तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी कहा हुआ इस और वहां के इब्राहिम को जो है वो इब्तला किया गया इम्तिहान लिया गया और उस इम्तिहान में जब वो कामयाब हो गए तो फमन्ना जब कामयाब हुए कॉल अब कहा इन जायलो का लन्ना से इमामा हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं हजरत इब्राहिम कौन थे नबी आपके बेटे कौन थे नबी अभी नीचे आयत नजर आ रही है इब्राहिम व इस्माइल दोनों पर वही हुई इन इनकलना से इमामा हमने तुम्हें इमाम बना दिया खुश हो गए हजरत इब्राहिम इम्तिहान में कामयाबी नसीब हुई है दर्जा मिला है खुश हो गए इमामत का दर्जा मिलते ही परवरदिगार मेरी जरूरीत में भी इमामत भेज दे क्या ये उदा मेरी जरूरीत में भी है अब जवाब ना हाँ में आया है ना ना में

तो जब नबी का इम्तिहान लेने के बाद दर्जा बुलंद हुआ इमाम बना दिया और इस इमाम बनने के बाद वो इतने मसरूर हुए कि अपने जरूरीत में जो कि नबी मौजूद है जरूरीत में नबूत मौजूद है कह रहे हैं इमामत भी देते दे। इमामत भी देते दे। हजरत इस्माइल की जरूरियत ना सिर्फ ये जरूरियत बल्कि दुआ कर चुके हैं कि रसोल्ला खातिमीन वसल्लम को अपनी जरूरियत में होने की दुआ कर चुके हैं कहते हैं इमामत दे दे। अब मुझे बताइए इन दोनों आयतों के सामने रख कर क्या कहूं ओहदा बड़ा है कि जिसके ऊपर सुरह नि में बयान हुआ या ओहदा बड़ा है कि जिस पर नबी भी खुश होकर कह रहे हैं कि मुझे तो बना दिया है मेरे जरूरीत को भी बना दे बस फैसला आप पर छोड़ता हूँ आयात आपके सामने तिलावत कर चुका हूं ऐसा क्यों है यकीनन नबी बाफजीलत है लेकिन नबूत के साथ इमामत की जिम्मेदारी इसके मुकाम को दो कर देती है ये इमामत की जिम्मेदारी जहाँ कानून इलाहिया को सिर्फ पहुंचाना नहीं है बल्कि कानून का नफाज भी है जो कि असलन, असलन मकसद बेसत अंबिया है तो इस अंदाज से चूंकि इसका जिम्मेदारियां ज्यादा हैं इस अंदाज से इसको हम वेटेज ज्यादा देते हैं बस परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस मुश्किल मौजू को हमें समझने की और इस पर अमल करने की तोफ़ी इनायत फरमाए परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमारे अमाल सलह को अपनी बारगह में कबूल और मकबूल फरमा और परवरदिगार जो इस दार फ़ानी से रहलत कर चुके हैं उनकी अरबा को अला में जगह इनायत फरमा यहाँ पर अब मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो आज के तमाम दुरुस्त से मुतिक सवाल कर सकते हैं इसे सवाल किया गया कि रिस्क से मुराद खुदा की हर नियमत है या खुदा या कुछ खास अता है तो यहाँ पे अर्ज का जवाब यूँ दिया गया कि रिस्क हिस्से के अनवान से आ, बोला जाता है यानी कि आपका और हमारा हिस्सा तो जो भी हिस्सा हमारे लिए आले आलम ने रखा है वो रिस्क के अनुमान से उसको लिया जाएगा तो यकीन जितनी जितनी ज़रफ़ीत आप अपनी बढ़ाएंगे उतना ही रिस्क जो है वो उसमें वसत वो मिलेगी और इजाफा होता जाएगा तो यकीन अपने रफ़ में इस्तेहकाक कायम करें तो जो ख़ास रिस्क है वो भी परवरदिगार के आपकी तरफ इन शामिल हाल रहेगा विलायत ज़ाहिर किताब है और किताब ने विलायत सर थोड़ा और क्लियर कर दें मतलब के कि किताब अहकाम की कि अब मैंने जब किताब कहा तो आपके जहन में भी किताब आई होगी दो जल्दों के दरमिया किताब अहकाम के अनवान से आती है यानी कि विलायत वही अहकाम से जुड़ी हुई है विलायत को अहकाम से अलग नहीं कर सकते जब हम कहते हैं खुदा की विलायत तो इसका मतलब खुदा के अहकाम यानी खुदा ही हक़ रखता है कि आपके और मेरे लिए जो है वो अकुम शादर फरमाएगा यही विलायत है और यही जो विलायत कहा जाता है मसलन इन्नमा नमा वली व रसूल व लजीना आमनजी सतून व हमर के तो यहाँ यूं नहीं है कि ये तीन विलायतें आपको हॉरिजेंटल बयान की जा रही हैं ना ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक अल्लाह की विलायत है और यहाँ से यहाँ तक रसूल की विलायत है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो अली की विलायत है नहीं ऐसा नहीं है <laughsmanship> असलन ये मामला जो है वो वर्टिकल है यानी कि असलन विलायत तो अल्लाह ही की विलायत है खुदा की विलायत है खुदा की विलायत के जेल में रसूल अल्लाह की विलायत है जो कि असलन रसोल्ला की नहीं अल्लाह की विलायत है जो रसुल्लाह के जरिए से नाफिज होगी और बिल्कुल उसी तरीके से रसुलला की विलायत के जैल में अली की विलायत है जो कि असलन खुद अली की विलायत नहीं रसोल्लाह की विलायत है और जो रसोल्ला की विलायत है वो असलन रसोल्लाह की विलायत नहीं खुदा की विलायत है तो इस उनवान से जो अली की विलायत है वो असला अल्लाह की विलायत है हट कर कुछ नहीं है ये पलट कर सब चीजें खुदा पर लौट जाती हैं अली की विलायत खुदा के मुकाबले पे विलायत नहीं है खुदा के जैल में विलायत है खुदा की विलायत ही का बिल्कुल उसी तरीके से वो लोग जो कहते हैं कि जनाब अब ये बात कहीं आगे चली जाती है और हम आगे दुरुस्त में ये बात करते हैं कि जनाब हम तो मासूम की विलायत के अलावा कोई विलायत मानते ही नहीं है तो यकीन परवर दिगार आलम ने शरा में तो बाप को भी वली करार दिया है तो ये बताओ आपका बाप जो है वो मासूम है या गैर मासूम गैर मासूम है तो क्या आप उनकी विलायत को नहीं मानते ये विलायत किसने दी उसे परवर दिगार ने दी है परवर दिगार ने उनको वली बनाया है तो बस ये उनकी विलायत का दायरा है लेकिन कोई है कि जो उनकी जानों पर उनकी नफूस पर, उनकी नफूस पर उनसे ज्यादा अवलीत रखता है ये रसूल की विलायत है ये अली की विलायत है ये परवरदिगार नहीं उन्हें दी है तो इस अंदाज से अगर विलायत को देखा जाए तो आ, ये विलायत बहरहाल मैं ये चाहूँगा कि वाजिबात में से पहले सवाल करें मुस्बात के लिए मैंने आपको किताब का हवाला दिया है जब तक उसको आ, पढ़ा नहीं जाएगा तब तक मेरी बात जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकेगी बहरहाल और कोई सवाल अगर आपके जहनों में हो तो विलायत मतल कुलिया यानी कि खुदा की विलायत हमा वक्त मखलूक के ऊपर नाफिजलमल रहना या उनके लिए रहना जिसका मजहर ता क्यामयामत जिसका मज़हर जो है वो अम्बिया अम्बियाँ के खातिम और ख़ास पर उनके ख़ातिम के अवसिया के जो कि तामियामत तक इस विलायत को के लिए महाफजत करेंगे वो करार पाएंगे इमाम अली की विलायत यानी किसकी वलायत अभी मेरे ख्याल में मैंने जवाब दिया है कि इमाम अली की विलायत जो है वो उनकी विलायत वो खुदा की विलायत है यानी कि खुदा की उस उन्वान से अगर देखा जाए यानी कि ए अली तुम्हारी विलायत कोई खुदा के मुकाबले में विलायत नहीं है तुम्हारी विलायत खुदा की ही विलायत है और ये वही विलायत है कि जो हर नबी के साथ है हर मखलूक के साथ है अच्छा आगादे में इमामत अबूत से बुलंद है आपने फरमाया जिम्मेदारी के अतबार से जो इमामत की जिम्मेदारी है वो बहुत से ज्यादा है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी है उसके अंदर उसकी हल्का विलायत भी ज्यादा है दोनों अहदे बाफ़ज़ीलत हैं दोनों अहदे में फजाइल का इसमें कोई शक नहीं है लेकिन चूंकि इमाम की जिम्मेदारी ज्यादा है तो इसीलिए उनको जो है वो ज्यादा मिलता है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाए तो यकीन आपकी सैलरी में भी इजाफा हो जाता है आपको उसको आप क्या कहिए में भी फिर इजाफा हो जाए के नाम से जो आजकल फितना ऊँचा है वो Uh, कोई नया uh, मसला नहीं है नया फितना नहीं है uh, ये फितना कभी अल्लाह के नाम से उठता है ये फितना uh, कभी क़ुरान के नाम से उठता है uh, यह फितना इसी अंदाज से अली अलैहिस्सलाम की विलायत के नाम से उठाया गया है इसके पीछे फितना उठाने वालों की सोच एक है वो जो कल कह रहे थे कि uh, हमारे लिए तो बस सिर्फ कुरान काफी है हिजबुना किताब वह और आ, इसके जेल में हजत खुदा का इनकार किया जा रहा था बिल्कुल उसी तरीके से में जो लोग दीनदार थे वो कुरान को देख के धोखा खा गए नेज़ों पर देखकर कुरान को धोखा खा गए लेकिन जो दीन शनास थे वो समझ गए कि साजिश है बिल्कुल उसी तरीके से ये दीनदार अफराद और दीन शनास अफरा हर दौर में होते हैं तो जहां दीनदारी हो वहां बातिल अपने मकर और फरेब के जरिए से धोखा दे देता है दीन का लिबास पहनकर धोखा दे देता है लेकिन जहां दीन शनास अफराद मौजूद हों वहां वो साजिश को भांप जाते हैं वहां वो अपनी बसीरत से देखते हैं इसीलिए मोमिन के लिए कहा जाता है मोमिन जो है वो नूर के जरिए से खुदा को देख लेता है वो नूर क्या है वो नूर चश्मे बसीरत है यानी चश्मे बसीरत से खुदा को देखा जा सकता है और देखा जाता है तो बिल्कुल उसी तरीके से सिफिन में इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे सिफिन है सफ फैन दो सफ मुसलमानों की दो जमातें तो वहाँ जो दीनदार लोग थे वो कुरान को देख कर धोखा खा गए और नाते नारा लगाकर खुद अली वली पर जरब मारी जा रही है अली की वलायत क्या है अली की विलायत कोई खुश्क अकीदा नहीं है अली की विलायत का इकरार यानी के क्या यानी आजाओ जवारे से अली की विलायत का इकरार करना अली की विलायत खुदा की विलायत है यानी मेरी आजाओ जवारे से बंदगी का इजहार ही अली की विलायत है मौला अली की तालीमत पर अमल करना और उनकी हमा बख्त इतात करना ही अली की विलायत है तो अब अलीका शरीत से अलग तो कुछ नहीं है शरीय से जुदा तो कुछ नहीं है तो जब कहा जाए कि वमा अताक मसूल फकू फू यानी अगर कुछ दे रहा है तो वो ले लो जिससे मना करे रुक जाओ ये क्या है ये खुद अली है एक बरादर ने पूछा नबी के साथ अली की विलायत कैसे है इस तरह से है बयान कर दिया तो चुनाचे अल्लाह के अहकाम को मन तस्लीम करना उस पर अमल करना ही विलायत अली है क्योंकि वो विलायत अली हुक्म खुदा है विलायत अली जो है वो जमीन पर अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निजाम का नाम विलायत अली है जो कि हर दौर में मौजूद है हर दौर में इस निज़ाम को नाफिजमल होना है तो अब सवाल यह पैदा होता है कि मौला मौलात सलाम अगर हुक्म दे रहे हैं नमाज का तो मैं अलील्ला का नारा लगाकर नमाज को सबुक कर दू या नमाज का इनकार कर दू तो यह पर जरब है अगर या हुसैन कहकर मैं नमाज को तर्क कर दूं, तीन साल पहले का वाकया है मैं करबला में मौजूद था हरम इमाम हुसैन से नजदीक एक मौकब में ठहरा हुआ था वहां पर एक जमात थी जो ये कह रही थी कि हम खुदा को सजदा नहीं करेंगे हम तो हुसैन को सजदा करेंगे इसलिए कि मेरे मौला ने उसको सजदा किया है तो बस मेरे लिए तो मेरा मौला ही सब कुछ है उसने उसकी तोहीद बचा ली है तो अब अल्लाह को तो हुसैन सजदा करेंगे लेकिन मैं हुसैन को सजदा करने आया हूं और उन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़ी वहां पर ये क्या है ये अल्लाह का नारा लगा कर खुद अली अल्लाह पर जरब है अगर कोई अली को कोलूही तक पहुंचाए और गुलू करे उनकी जात में तो ये खुद अली वली पे जरब है कि अली जो है वो अल्लाह का वली है अली अल्लाह नहीं है लेकिन अगर कोई अली अल्लाह का नारा लगाए तो ये खुद अली पे जरब है आज जो लोग बहुत बड़े चैंपियन बने हुए हैं और अली के ऊपर कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और जलसे करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मजमू मकासद में जो है वो नाकाम हुए हैं लेकिन बहरहाल उन्ही जमात में अली वाली के बजाय <Palestine> अली अल्लाह का नारा लगता है तो ये किस अंदाज का का है किस अंदाज का आ नारा है तो यकीनन ये एक फितना है खुदा हमें इस फितने से महफूज रखे बातिन अच्छा आगा बातिन साथ की वजाहत दे दें तो बेहतर होगा समझ में मसला हो रहा है कोई मिसाल दे दें बातिन बातिन का मतलब होता है कि एक शय जो कि देखा जा सकता हो और एक हक, हकीकत वो होती है कि हकीकत दो अंदाज की होती है हकीकत एक अंदाज की ये होती है कि जिसको देखा जा सकता हो जिसको लम्स किया जा सकता हो और एक हकीकत वो होती है कि जो कि होती तो हकीकत है लेकिन नजर नहीं आती ठीक है पोशीदा होती है तो यकीन है, हकीकत जाहिर भी होती है बातिन भी होती है फरिश्ते को देखा नहीं जा सकता आप और मैं फरिश्ते को तो नहीं देखते तो क्या फरिश्ते का इनकार कर दें क्योंकि नजर नहीं आता हम्म हर एक को नजर नहीं आता तो उस सूरत में तो आप अपनी अकल का भी इनकार कर दीजिए कि अकल जो है वो भी नज़र तो नहीं आती लेकिन होती है हकीकत होती है तो अब सवाल ही पैदा होता है कि इस हकीकत का बयान जो है जो नजर नहीं आ रही उसके ऊपर एतकाद है तो बिल्कुल इसी तरीके से उसको हम कहते हैं कि जो जाहिर हो वो जो नजर आ रहा है जाहिर है और जो उस जाहिर के पीछे उसका जो लवाजमात है जो बात जो उससे मुत्ल हैं जो नजर नहीं आ रही अशिया वो उसका बात है न अगर हम देखते हैं कि मोमिन और मुसलमान जो खुदा और रसूलो और इमाम को जानते और पहचानते हैं मगर एक ख़ास लेवल से आगे नहीं जाते मगर एक काफिर जो कुछ नहीं जानता वो अचानक मुसलमान बल्कि शिया हो जाता है तो उसको रिस्क हिदायत कैसे मिला है जबकि वो बज़ाहिर कोई कोशिश भी नहीं करता कमाल हासिल करने की नहीं ये कहना मुश्किल है कि वो कोशिश नहीं करता उसमें तहरीक है उसके बातिन में तहरीक है तभी तो मुनकलिब हुआ है लानल से सलाम कैसे हो गए उनमें यह तहरीक बेदार हुई कि वो अपने हजरत जमान से आकर मिल गए याद रखिएगा हजरत जमान से दूरी लान का सबब बनती है और अगर एक रात का तफक्र और तदब्बर इमाम जमान से मुतसिल कर दे तो की कैफियत तक ले जाता है इसका आगाज इस सफर का आगाज जाहिरी पर आप बाद में करेंगे जाहिरी कदम बाद में उठेंगे। सबसे पहले तो कल्ब मुनकलिब होगा ये तहरीक जो अंदर तड़प पैदा हो रही होगी ये आपको नजर नहीं आएगी तो चनाचे हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर यह तड़प पैदा नहीं हुई है नहीं तड़प पैदा हुई है और बसा औकात बस एक लम्हा चाहिए इंसान को पलटने के लिए खुदा तक पलटने के लिए कोई बहुत मीलों का सफर नहीं करना है इसलिए कि खुदा करीब बस मैं करीब हूँ उजीबू दा मैं तो जवाब देता हूँ ये तुम थे तुमने दूरी इख्तियार की थी हम तुमसे करीब थे बस सिर्फ तवज्जो काफी है बातनी साजो इमाम अली ने दीगर अंबिया का दिया उस जमन में पूछ रहा था नहीं सात से मुराद देखिये उस मैंने फिर कहा कि सूफियों की जो नक्शा और जो तमसील है उससे थोड़ा बाहर निकल कर देखें कि अली तुम्हारी जो विलायत है तुम्हारा जो हक विलायत है ये कोई तुम्हारा अलग से नहीं है ये वही हक विलायत है जो अलैहिस्सलाम को भी हासिल है उस एतबार से लेकिन उसमें जो तुम्हारा मुकाम है यकीन अगर देखा जाएगा तो उसमें कोई शक नहीं है कि आप उनसे अफजल होंगे आप उनके कम, आपके कमाल आपके अवसाफ के करीब कोई और मखलूक सिवाय रसूल खुदा के कोई आपके बराबर नहीं हो सकेगा इसलिए कि अली जो हैं किसके मौला हैं? मन तो मौला हो फी उन मौला हो बस अब आप फहरस्त बनाने शुरू कर दीजिए के कौन कौन से वो हस्तियां हैं कि जो अल्लाह को मौला कहकर मुखातिब करती हैं जहां जहां वो हस्तियों के नाम लिखना शुरू कर दीजिएगा साथ में अली भी उनके मौला होंगे ये हमारा अकीदा नहीं है ये अल्लाह की वसीयत है जिस पर हम अमल कर रहे हैं तो अली व सलाम हर उस नफ्स के मौला हैं कि जिसका रसूल मौला है अब यह बहस खत्म हो जाती है कि कौन अफजल है कौन अफजल नहीं तो दुआ है परवरदिगार हमें मौला अली वसलाम की विलायत पर अमल करने की और इसे अपनी जिंदगी में नाफिस करने की तौफीक इनायत फरमा इमाम जमाना की सलामती से आ, हम इस दर्स का अख्ताम करेंगे और दर्ज के अख्ताम के बाद आपसे मुलतमज़ होंगे दाय मिलत जाफ़रिया के लिए बिलखसूस और तमामा रब्बागी अभी नौ तारीख़ को अल्मा रशीद तो का भी बरसी गुजरी है अलामा तालिब जौहरी को भी इसमें शामिल ख्याल रखिएगा अपनी दुआ में और मेरे बाबा सैयद नबी रिजवी इबन सैयद हसन अली रिजवी को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा तो पहले दुआए स माम जमानत और उसके बाद सुर फातः पढ़ाई बिसमीम कन ले वली ये कल حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعيد حتى تسكن في أرضك وتبتح فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اذن الصراط المستقيم